सो गाइस, क्या आप लोग भी मेरी तरह मोबाइल प्लेयर हो और भाई मोबाइल में खेलना चाहते हो बैट बॉल्स, लेकिन आप लोगों को ब्रिजिंग नहीं आती है, पीवीपी नहीं आती है एंड आप लोगों के दोस्त आप लोगों को नूब नूब चिढ़ाते हैं? तो गाइस, आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। आप लोग भाई बहुत ओपी ब्रिजिंग कर सकते हो मोबाइल में, साथ साथ भाई पीवीपी भी आप लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप लोगों के टीममेट्स आप लोगों को भाई हर बार बैट बॉल्स के मैचेस खिलवाने के लिए बोलेंगे भाई कि मेरी टीम में आ जाओ। सो गाइस, आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोग भाई बहुत ज़्यादा प्रो बन सकते हो बैड वॉर्स में। बिल्कुल सही गाइस, आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं भाई ओपी ब्रिजिंग, साथ साथ मून वॉक ब्रिजिंग और भाई कुछ पीवीपी स्किल्स और साथ साथ फास्ट ब्रिजिंग। सो गाइस, बिल्कुल आप लोगों को ये सभी इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो भाई प्लीज एक सपोर्ट दिखाने के लिए कुछ तो करो यार, लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के आप लोगों को बताते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो यार बहुत सारे लोग कह रहे थे यार हैंड कैम वीडियो लाओ, हैंड कैम वीडियो लाओ। तो फाइनली गाइस, हियर इज अ हैंड कैम वीडियो। एंड हां, अगर आप लोग बैड वॉर्स में न्यू और आप लोग भी चाहते हो कि बैट बॉल्स में प्रो बनना, यार मेरी तरह, वैसे मैं प्रो बन चुका हूं भाई मोबाइल में, ठीक है, बाकी पीसी प्लेयर्स को भी हरा देता हूं कभी कभी। तो यार आप लोग भी यार मेरी तरह प्रो बनना चाहते हो तो कुछ नहीं, आप लोगों को मैं आज वो सारी टिप्स बताऊंगा और कौन कौन सी सेटिंग्स यूज करता हूं मैं, वो सब कुछ बताऊंगा, तो और आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह प्रो बन सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं मैं कौन कौन सी सेटिंग्स मैंने कर रखी जो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता देता हूं मैं कौन कौन सी सेटिंग्स यूज कर रहा हूं। तो अगर बात करें तो यार टेक्सचर पैक कौन सा यूज कर रहा हूं, तो देखो टेक्सचर पैक में ये यूज कर रहा हूं पोशन एटीट्यूड मोड, जो कि आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा। इसमें नॉर्मल मैं यूज करता हूं टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वैसे कोई सा भी यूज करो नहीं दिखता इसमें, ठीक है। तो यार पोशन का जो इफेक्ट होता है ना आप लोगों का जंप बटन के पास, तो वो इससे हट जाएगा। बाकी बात करें तो मैं क्रिस्ट का यूज कर रहा हूं यहां पर, फ्यूरी 16 और भी बहुत सारे पैक है, आप लोग ये सारे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर नाम आप लोग देख सकते हो, ये सारे पैक्स मैं यूज करता हूँ। तो बस आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सो अब बात हो गई कि यार पैक्स की, तो बात हो गई कि मैं कौन कौन से पैक्स यूज कर रहा हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बात करें अब आप लोगों को टचेस की, कंट्रोल्स में सिलेक्ट, कंट्रोल्स में आकर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आना है। आप लोगों का ये कंट्रोल सिलेक्ट होगा जॉय पैड या जॉय मतलब डी पैड एंड टैब और टैब टू इंटरसेक्ट, तो उसको आप लोगों को मतलब ये जॉयस्टिक एंड एम क्रॉस एयर पर क्लिक करके आप लोगों को सिलेक्ट कर। तो टचेस में मैं सेंसिटिविटी मेरी 35 है जो कि आप लोग भी यूज कर सकते हो। बाकी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर शो बटन, ये सब नॉर्मली जो जो मेरा ऑन है आप लोग ऑन कर लेना, जो ऑफ है वो ऑफ ही रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज याद रखना भाई, वाइब्रेटिंग डिस्ट्रॉइंग ब्लॉक्स एंड यहाँ पर कहाँ गया यार, वेट वेट वेट, टच ओनली बार एंड यहाँ पर जॉयस्टिक, ओ वो दूसरे में वीडियो सेटिंग्स में, हाँ तो यहाँ पर देख लो। और बटन साइज मैंने 69 रख रखा है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग 100 रख सकते हो। 100 रखने पर यह होता है कि आप लोगों की जो पीवीपी स्किल्स है बहुत अच्छी हो जाती है, बट मुझे लाइव स्ट्रीम करना होता है इसके चक्कर में मैंने यहाँ पर 69 रख रखी है। अब बात करें वीडियो सेटिंग्स की, तो वीडियो सेटिंग्स में आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले तो व्यू वॉबिंग ऑफ कर देना, कैमरा शेक ऑन रखना है आप लोगों को, फैंसी बबल्स ऑफ रखना है, रेंडर क्लाउड्स भी ऑफ करना है, ब्यूटीफुल स्काइज भी ऑफ करनी है एंड यहाँ पर फैंसी ग्राफिक्स भी ऑफ कर देने हैं। तो ये चीज है आप लोगों को ऑफ करके रखना है। फिर सेकंड चीज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्मूथ लाइटिंग आप लोग ऑन कर सकते हो, वो अच्छा रहता है। बाकी एफओबी कैन बी अल्टर्ड बाय द गेम, तो ये आप लोगों को करना है, मतलब एफओबी के साथ साथ अपना गेम भी अल्टर्ड होता है तो वो चीज भी आप लोगों को ऑन करनी है। बाकी यहाँ पर एक चीज है यूआई प्रोफाइल, आप लोग क्लासिक रख सकते हो, ये अच्छा लगता है बिल्कुल जावा जैसी। एंड रेंडर चंक्स आप अपने डिवाइस के हिसाब से रख सकते हो, 12 वैसे मेरा रिकमेंडेड है कि मैं 12 रिकमेंडेड रख सकता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम के चक्कर में मेरे को यहाँ पर 10 रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी फ्रेम रेट तुम्हारा अनलिमिटेड, तो ये कुछ थे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये है मेरी सेटिंग जिससे मैं खेलने जा रहा हूँ एंड यहाँ पर थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन, या सो ये कुछ सेटिंग्स है जो कि आप लोग भी कर लेना। अब चलो भाई मैं नेदर गेम्स का सर्वर ज्वाइन कर रहा हूँ और आप नेदर गेम्स वैसे अच्छा सर्वर है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। आईपी पोर्ट अगर चाहिए होगी तो ये रहा भाई आईपी पोर्ट, देख सकते हो play.nethergames.org। ओके सो यहाँ पर अब मैं खेलने जा रहा हूँ, नॉर्मल ब्रिज सिखाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो तीन ब्लॉक आप लोगों को पीछे आना और चौथे ब्लॉक पे आप लोगों को खड़े होना है, ठीक है। खड़े होने के बाद उस पे उस वाले पे आप लोगों को कर्सर क्लिक करना है और ये वाला जो बटन है, ये वाला, ये प्लेस करने का बटन, ये वाला जो मैं प्लेस पे अभी मैंने दबाया, हाँ सो इसी को आप लोगों को क्लिक करना है। तो अभी बताता हूँ जस्ट, एंड यहाँ पर फिर से अगेन 4th ब्लॉक पे आप लोगों को खड़ा होना है एंड इस पर करना है। एंड भाई देखो, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को जॉयस्टिक को आगे की तरफ भागने के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आएंगे हम एंड ये देखो, जी देख रहे हो कितना नॉर्मल इजी पीजी ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज हो गया। अब दूसरा ब्रिज आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग मतलब बैक ब्रिज या फिर बोल सकते हैं इसको मून वॉक ब्रिज कैसे करते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बिल्कुल टॉप मतलब यहाँ पर बीच में, जैसे अगर तुम्हें बात बताऊँ एक वुल का है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक ये देख रहे हो, एक पार्टिकल्स, ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल्स, फिर 2 एंड 3 पार्टिकल्स,
तो ऐसे ही इसमें साइड में भी होता है, तो साइड में आप लोगों को ना सेकंड और फर्स्ट के बीच में रखना है एंड उसके ऊपर आप लोग खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आप लोगों को नॉर्मल क्या करना है, इस प्लेस वाले को अगेन क्लिक करना और यहाँ पर मून वॉक करते हुए जाना। देख रहे हो पीछे, तो ये पीछे का बैक ब्रिज हो गया या फिर बोल सकते हैं मून रॉक ब्रिज हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तो टाइप के ब्रिज थे। एक लास्ट ब्रिज आप लोगों को एक और बता देता हूँ जो कि आप लोगों के फोन में बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो ब्रिज कौन सा होता है, जंप करके ना आप लोगों को आगे की तरफ भागना पड़ता है। भाई ये ले ले, डायमंड्स ले ले, डायमंड्स ले ले ब्रो, यहाँ पर डायमंड्स ले ले। हाँ, तो ये देखो दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ, जंप करके भागना होता है। तो उसमें क्या करना होता है आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक नॉर्मली आप लोगों को वही तीन ब्लॉक के मतलब डिस्टेंस पे खड़े होना और चौथे ब्लॉक पे खड़ा होना, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करके, और इसमें ना माइंड थोड़ा मुंडी ना थोड़ी नीचे रखनी पड़ती है इसमें, तो यहाँ पर खड़े होने का एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर, अरे यार लमाओ स्कैम हो गया। ओके सो गाइस, तुम्हारा भाई तुम लोगों को बताने वाला तीन ब्लॉक ऐसी नॉर्मल आप लोगों को पीछे रखना है एंड यहाँ पर फोर्थ एंड यहाँ पर जस्ट प्लेस करते के साथ एंड ये ऐसे एंड यहाँ पर ना आप लोगों को जंप मारना है। दिस इज फास्ट ब्रिजिंग, आप लोगों को जंप करते रहना और बट याद रखना कि आप लोगों की जो मुंडी होनी चाहिए वो नीचे होनी चाहिए, मतलब आप लोगों का जो सर होना वो नीचे की तरफ फेस करता रहना चाहिए, तभी आप लोगों की ये फास्ट ब्रिजिंग हो पाएगी। तो यप, तो चलो गाइस अब तुम्हारा भाई स्किल्स दिखाएगा तुम्हें कि तुम लोग कितना ज़्यादा प्रो बन, मतलब मैं कितना ज़्यादा प्रो बन चुका हूँ इसमें, ठीक है। वैसे मैं टू फिंगर करता हूँ, बाकी आप थ्री फिंगर कर सकते हो तो कर लेना, मतलब थंब से आप लोगों को जॉयस्टिक लाना और इससे आप लोगों को मारना है, तो ये चीज़ मेरे से होती नहीं है। तो यार मैं यही चीज़ यूज़ करूँगा, टू फिंगर वाली ही क्लॉ। तो सबसे पहले बैट बैट डिफेंड कर देते हैं हम लोग। आओ ग्रीन पे रश मार रहे, आजा 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 मार रहा था, बड़े ग्रीन मार रहा है। अबे यार यार मैं पीसी प्लेयर के सामने कैसे डिफेंड करूंगा, रेफरेंस मत मार के क्या? नहीं यार तो वो तो है ही, वो करते हैं। कहाँ पर रुकना, जल्दी बता। okay. अरे मर गया, लमाओ अरे यार। वो भाई 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 डायमंड्स भी नहीं मिले मेरे को। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पूरा ऊपर है। कहाँ पूरा ऊपर, पूरा ऊपर, कसम से पूरा ऊपर ही है क्या वो? पूरा ऊपर, अरे सौ टक्का ऊपर ही। रुक जा फिर, यप वो तेरी बहस क्या? वाह विक्ट्री ओम्फो, ओ भाई डुअल जीत गया, वो डुअल जीत गया। सो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज यार एक लाइक जरूर करना एंड चैनल पर जो जो न्यू है ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।